गढ़वा थाना क्षेत्र के बेलचापा निवासी बाबुल सिंह को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। घटना पलामू के रेहला में हुआ। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि बिना डर और भय के बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाबुल सिंह छठ घाट से अपने घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। पलामू जिला के रेहला थाना के पास अपराधियों ने स्कूल संचालक अमित कुमार सिंह उर्फ बाबुल सिंह को गोली मार दी, जिससे श्री सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। गढ़वा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु उन्हें रांची रिम्स रेफर किया गया। घटना रविवार रात्रि लगभग 8:30 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बाबुल सिंह रेहला कोयल नदी छठ घाट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस अपने घर बेलचापा जा रहे थे, जहां उनकी गाड़ी रेहला थाना के पास खड़ी हुई थी। गाड़ी के पास वे जैसे ही पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ 2 गोलियां चला दी और फरार हो गए। वहीं एक गोली बाबुल सिंह के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलावस्था में उन्हें तत्काल गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु रांची रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बेलचापा गांव के पास रेहला गढ़वा मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 75 को जाम कर दिया। ग्रामीण हमलावर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं गढ़वा थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत सिंह व रेहला थाना प्रभारी नेमधाई रजक पुलिस बल के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर जामकर्ताओं से बात की, जिसमें अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद जाम समाप्त किया गया। युवा समाज सेवी पंकज पासवान ने मांग किया कि चौक पर स्ट्रीट लाइट और CCTV कैमरा लगवाया जाए, ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। गढ़वा शहर का विश्वसनीय रेडीमेड कपड़ों एवं साड़ी का प्रतिष्ठान राजघराना। राजघराना लेकर आया है त्योहारों में ब्रांडेड कपड़ों का विशाल संग्रह। केलर, मुफ्ती, स्पाइकर, पेपे जींस, क्रीम सन्स क्लब, मानेवर जैसे ब्रांडेड कपड़ों के साथ किड्स एवं लेडीज के कपड़ों का नया कलेक्शन। हमारा पता है रंका मोड़, घंटा घर के पास मेन रोड, गढ़वा।